अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और ये है विंग्स का फैंटम 550 गेमिंग ईयरबड्स। और इस ईयरबड्स की चार बातें हैं जो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है। इसकी बिल्ड क्वालिटी, इसकी साउंड क्वालिटी, इसकी लेटेंसी जिसकी वजह से गेमिंग अच्छी होती है, और साथ ही साथ इसकी बैटरी लाइफ। ये बातें मैंने बहुत ही शॉर्टकट में बता दिया, लेकिन चलिए मैं ऐसे डिटेल में बताता हूँ कि आखिर ये ईयरफोन कैसा है। लेकिन सबसे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, वरना आप ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को मिस कर जाएंगे। तो गाइस, बॉक्स पैक बहुत ही सिंपल सा है, सामने में इसकी ब्रांडिंग की गई है और लिखा गया है कि 45 घंटे तक की बैटरी रहे, सिरी और गूगल असिस्टेंट का भी सपोर्ट है, IPX5 सर्टिफाइड है और फुल टच कंट्रोल आपको यहां पे मिलता है। ब्लूटूथ 5.3 पे ये काम करता है दोस्तों, बिल्कुल ही लेटेस्ट, ये काफी अच्छी बात है। और प्राइसिंग अंडर 1500 आपको आता है एंड कई बार ऑफर में आपको 1000 रुपए के अंदर मिल जाएगा। बॉक्स पैक को ओपन करेंगे तो आपको सबसे पहले वही चीजें मिलेंगी, आपको ईयरफोन का केस मिल जाएगा जिसके अंदर ईयरफोन रखा हुआ रहेगा, इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिल जाएगा, USB-C केबल मिल जाएगा चार्ज करने के लिए, कुछ यहाँ पे दोस्तों गेमिंग या टिप्स और वारंटी का इन्फॉर्मेशन जो ये लोग एक साल तक का वारंटी देते हैं, डेट इज रियली कूल दोस्तों। लेकिन जब हमने इसके केस को देखा तो आई वॉज सरप्राइज, ये बिल्कुल ही यूनिक तरह का और गेमिंग के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया केस है, जो कि दिखने में बिल्कुल प्रीडेटर की तरह लगता है। मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा डिजाइन किया गया केस है, पूरा का पूरा प्लास्टिक का फिनिश यहाँ पे दिया गया है, लेकिन हाथों में कहीं से भी चीप फील नहीं होता, बहुत ही अच्छा फील होता है। इवन इसमें ग्रिपिंग जो है वो मुझे अच्छी फील हुई और इसकी साइज भी कॉम्पैक्ट है, आसानी से आप इसे पॉकेट वगैरह में रख सकते हो। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको मिलता है यहाँ पे गेमिंग LED लाइट्स, तो ये ब्लू कलर का बेसिकली आता है और अलग अलग कलर में आपको अलग अलग कलर का लाइट मिल जाएगा। तो अगर आप इसके ढक्कन को ओपन करेंगे तो ये लाइट्स को आप ऑन होता हुआ देखेंगे, जो कि दोस्तों ब्लू कलर का है एंड ओवरऑल ये कूल लगता है। ऊपर के साइड में विंग्स का ब्रांडिंग है, नीचे के साइड में कुछ भी नहीं है, लेफ्ट राइट आप देखेंगे ग्रिपिंग के लिए बहुत ही अच्छा बना गया, पीछे के साइड में USB-C है और ऊपर से अगर आप ढक्कन को ओपन करेंगे तो अंदर में ये ईयरफोन रखा हुआ मिलेगा एंड इस ईयरफोन में भी छोटे छोटे दो LED लाइट्स है जो कि ब्लू कलर के ऑन होते हैं। सबसे अच्छी बात यह दोस्तों कि ये पेयर बहुत ही आसानी से तो हो जाता है, लेकिन दोस्तों अगर आप दो डिवाइसेस से भी पेयर किए हुए हैं तो जिस डिवाइस का पहले ब्लूटूथ का सिग्नल मिल जाएगा उससे ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा जितनी बार आप इसे ऑन करेंगे। यानी कि अगर मैं इसे बस इसे निकालूं बाहर तो ये जो है अब ये कनेक्ट हो चुका है मेरे स्मार्टफोन से, तो ज्यादा झमेला नहीं है। ऑटो कनेक्शन इसका बहुत अच्छा है, कनेक्शन का रेंज भी बहुत अच्छा है, कनेक्शन की स्टेबिलिटी भी बहुत ही अच्छा है, नो प्रॉब्लम विद दैट। बाकी दोस्तों जो गेमिंग के ईयरबड्स है उसकी भी डिजाइन बहुत अच्छी है, हालांकि ये पूरी की पूरी प्लास्टिक की बनी हुई है एंड इस प्राइस रेंज में आपको इसी तरह का बिल्ड क्वालिटी मिलेगा, बट कहीं से भी चीप फील नहीं होता, ये बहुत ही हल्का है दोस्तों। एंड ये जो ईयरबड्स है उसकी क्वालिटी और डिजाइन शेप वगैरह अच्छा है, जिसकी वजह से ईयर टिप्स बहुत ही आसानी से हमारे कानों में चले जाते हैं। लेकिन हाँ, एक बात कहूंगा, ज्यादा लॉन्गर देर तक इस्तेमाल करने के बाद मुझे थोड़ा सा हल्का हल्का मेरे कानों में पेन महसूस हुआ, जो कि नॉर्मल है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। ओवरऑल मैं कहूंगा ईयरबड्स बहुत ही अच्छी तरह से डिजाइन यहाँ पे किया गया है, स्पेशली गेमिंग के लिए लाइट्स वगैरह मिल जाते हैं, ये एक अच्छा चीज लगता है। बट व्हाट अबाउट साउंड क्वालिटी, आखिर इसकी साउंड कैसी है? रियली में दोस्तों मुझे इसकी साउंड बहुत ही ज्यादा पसंद आई है। जब मैं म्यूजिक सुन रहा था तो मुझे इसकी बेस अच्छी लग रही थी। इस प्राइस के हिसाब से मैं कहूंगा आपको एक अच्छा साउंड क्वालिटी वाला ईयरफोन मिलता है। वैसे कई बार ऐसा होता है ना कि अगर गेमिंग ईयरबड रहता है तो भाई वो म्यूजिक की क्वालिटी में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, बट इस ईयरफोन के साथ मैं म्यूजिक को बहुत अच्छे से इंजॉय कर पाया, मूवीज भी मैंने देखी और साथ ही साथ मैंने गेम भी खेला, सब में बहुत अच्छी साउंड आती है, स्पेशली गेम में बहुत ही तगड़ा साउंड क्वालिटी आता है। हालांकि दोस्तों इसका वॉल्यूम जो है बहुत ही ज्यादा लाउड है, आप 100% भी वॉल्यूम नहीं सुन पाओगे, लेकिन 100% पे भी मुझे कोई ज्यादा डिस्टॉर्शन नजर नहीं आया, ये एक अच्छी बात मुझे लगी है। तो ओवरऑल साउंड क्वालिटी मैं कहूंगा बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पे मिलता है। लेकिन और भी अच्छा तब हो जाता है जब आप देखोगे इसमें आपको इक्वलाइजर भी दिया गया है, तो अगर आप चार बार टैप करते हो राइट वाले साइड को या लेफ्ट वाले साइड को तो इक्वलाइजर एक्टिवेट हो जाता है, जो कि बेस और ट्रेबल के बीच स्विच करता है, तो आप और भी अच्छी म्यूजिक ले सकते हो। और अगर आप दोस्तों यहाँ पे दो बार तीन बार टैप करते हो तो अलग अलग यहाँ पे मल्टी फंक्शन कर सकते हो, साथ ही साथ आप इसी से टच करके वॉल्यूम को भी घटा बढ़ा कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंगल टैप राइट करोगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, सिंगल टैप लेफ्ट करोगे तो वॉल्यूम जो है घटेगा, डबल टैप से म्यूजिक प्ले पॉज, ट्रिपल टैप से म्यूजिक नेक्स्ट वगैरह होगा, और प्रेस एंड होल्ड किए रहोगे तो गेमिंग मोड में चला जाएगा, या फिर गूगल असिस्टेंट भी खोलोगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड को प्रेस एंड होल्ड करना पड़ेगा। इंस्ट्रक्शन मैनुअल पढ़ लेना, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। गेमिंग में दोस्तों लेटेंसी बहुत ही कम है, मैंने BGMI में टेस्ट किया और जो साउंड है वो बहुत ही जल्दी आ रही थी, जैसे ही मैं शूट कर रहा था वैसे ही आ रहा था, बिल्कुल भी मुझे लैग वगैरह महसूस नहीं हुआ। फिर भी मैं कहूंगा कहीं ना कहीं 40 मिलीसेकंड के आसपास तो है, बट स्टिल बहुत ही अच्छा यहाँ पे फास्ट लेटेंसी आपको इसमें दिया गया है। मतलब लेटेंसी आपको पता ही नहीं चलेगा, अगर आप एक नॉर्मल कैजुअल गेमर हो बिल्कुल नहीं पता चलेगा, मैं अपने वायर्ड ईयरफोन से भी इसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा था। तो गेमिंग के लिए अगर ये ईयरबड दिया गया तो सिर्फ डिजाइन ही नहीं, लेटेंसी भी कमाल की है, साउंड क्वालिटी भी कमाल की है, इनमें की फुट स्टेप्स भी कमाल से पहचान सकते हो। बट दोस्तों एक और चीज़ है जो कि इसमें कमाल की, और वो है इसकी बैटरी लाइफ।
मुझे जो है इसकी बैटरी क्या कमाल की लगी है दोस्तों। 45 आवर्स तक तो क्लेम्ड है एंड आई नो उतना ज़्यादा तो नहीं जाता, बट दोस्तों फिर भी अगर आप इसे एक बार केस में रख करके निकालते हो तो लगातार 8 से 9 घंटे तक इजीली चल जाता है। 10 घंटा लिखा गया है सिंगल ईयरबड का, दोनों एक साथ सुनोगे तो 10 घंटा तक चल जाएगा, लेकिन लो वॉल्यूम में। अगर आप मीडियम टू हाई वॉल्यूम में सुनते हो तो भी दोस्तों ये 8 घंटे टच कर जाता है। इस वजह से आप इसे 4 बार चार्ज कर सकते हो पूरा दोस्तों फुली, और 5वीं बार भी हल्का सा बचता है, जिसके कारण आप आसानी से दोस्तों 40 घंटे के आसपास या 35 प्लस आवर्स का बैकअप पा सकते हो ईजिली। 35 प्लस आवर्स जो कि बहुत ज़्यादा बैकअप होता है अगर आप इसे केस से चार्ज कर करके यूज़ करना चाहो रियली दोस्तों। मतलब अगर आप बेसिकली अगर आप एक दिन में 5 घंटे भी गेम खेलते हो तो आपको एक हफ्ते लग जाएंगे इसके चार्ज को ख़त्म करने में, इतनी अच्छी बैटरी बैकअप है इसमें। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों, इसमें आपको 13mm का ड्राइवर और ENC यानी कि इन्वायरमेंटल नॉइज़ कैंसिलेशन भी दिया गया है, बट हाँ उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता इससे। और साथ ही साथ दोस्तों ये USB-C के साथ में आता है तो किसी भी चार्जर से आप इसे चार्ज कर सकते हो। तो ओवरऑल ये जो विंग्स का फैंटम 550 है, ये मेरा पहला विंग्स का दोस्तों ईयरफोन था एंड आई रियली लाइक्ड इट। मुझे ऐसा फील हुआ कि जी हाँ, इन्होंने अच्छा काम यहाँ पे किया है और गेमर्स के लिए एक अच्छा ईयरफोन लाया है। लेकिन साथ ही साथ सिर्फ ये गेमर्स को सर्व नहीं करता, ये अगर आप म्यूजिक भी सुनना चाहते हो तो भी अच्छा है। बट हाँ, सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक के लिए देखो तो मैं कहूँगा कि नहीं, म्यूजिक के लिए तो और भी ज़्यादा बेटर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, बट म्यूजिक प्लस गेमिंग प्लस मूवीज अगर आप देखना चाहते हो तो दिस वन रियली शाइंस और अपने प्राइस को टोटली जस्टिफाई करता है। बाय के लिए दोस्तों जो बाइंग लिंक है वो मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से बाय कर पाओगे एंड बाय करने के बाद आप भी अच्छी गेमिंग का मजा अच्छे ट्यूटोरियल्स का इस्तेमाल कर पाओगे 1500 के अंदर। लेकिन अब बायर्स को एक मैं सलाह दे दूँ, ये ब्लैक कलर का है एंड मैं रिव्यू करने से पहले कुछ वीडियोस देख रहा था जिन रिव्यूअर्स को व्हाइट कलर का मिला था, मैं आपको व्हाइट कलर का ही रिकमेंड करूँगा भाई, वो सेक्सी लगता है। बॉक्स पे भी व्हाइट कलर का है तो मुझे लगा कि यार ब्लैक कलर से ज़्यादा अच्छा फील होगा व्हाइट कलर, अगर लेना हो तो वही लेना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।